हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास टेन का जो आपका चैप्टर नंबर अलेवन है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के सभी इंपॉर्टेंट एम जिसमें से हमने ह्यूमन आई के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे उसको रिमूव कर दिया है हटाया क्यों है इसका रीज़न आप बखूबी जानते हो तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर वन है हमारा द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन टू डिफरेंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास थ्रू करते हैं तो वो जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाता है डिफरेंट कलर्स में मतलब सेवन कलर्स में जो है वो वाइट लाइट स्प्लिट हो जाता है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो उसको बोला जाता है डिस्पोशन ऑफ लाइट तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है अगर आपने इस चैप्टर को पहले से ही पढ़ा हुआ है तो आप मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करोगे और फाइनल स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय बाई ग्लास प्रिज्म विच फ़ॉलोइंग लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम बेंड्स द मोस्ट जब वाइट लाइट का डिस्पर्सन होता है तो उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रम में सेवन कलर्स बनते हैं तो कौन सा वाला कलर सबसे ज़्यादा बेंड करता है मतलब कौन सा वाला सबसे ज्यादा झुक जाता है ठीक है ना बेंड कर जाता है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो देखो ये जो कलर चेंज होते हैं ना वो आपका क्या है होता है ठीक है ना तो और उसमें जो है सबसे जिसका वेब सबसे कम होगा वही सबसे ज्यादा बेंड करेगा तो लोएस्ट वेबलेंथ किसका होता है वॉयलेट का जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा बेंड करता है तो सेकेंड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया नेक्स्ट है नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट सनलाइट सनलाइट के स्पेक्ट्रम को ऑप्टेन uh, करने के लिए फर्स्ट टाइम किस साइंटिस्ट ने ग्लास प्रिज्म को यूज़ किया था तो फर्स्ट टाइम जिन्होंने यूज किया था दैट वाज आइजक न्यूटन ठीक है सेकंड का, uh, का आपका सॉरी थर्ड क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट है वन लाइट वाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म जब वाइट लाइट प्रिज्म में एंटर करता है इट गेट्स स्प्लिट इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स तो ये जो है अपने कॉन्स्टिट्यूंट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है वही सेवन कलर्स में तो ये किसकी वजह से होता है दिस इज़ ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेबलेंथ ऑफ ईच कलर क्योंकि हर कलर का वेबलेंथ अलग है हर तो जिस वजह से सबका uh, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और इसी वजह से वो सब अलग अलग हमें दिखते हुए नज़र आते हैं ठीक है तो फोर्थ का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया नेक्स्ट है द विजिबल लाइट हैविंग हाइएस्ट एंड लोएस्ट वेबलेंथ जो हमें लाइट दिखता है स्पेक्ट्रम के अंदर तो उसमें हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी है और लोएस्ट वेवलेंथ किसकी है ये हमसे पूछा हुआ है जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि लोएस्ट वेवलेंथ तो किसका होता है वॉयलेट का होता है और हाईएस्ट वेवलेंथ होता है रेड का तो रेड एंड वॉयलेट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फाइव का बी ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फिनोमिनन विच इज कॉज्ड बाय द डिस्पोशन ऑफ सनलाइट इन द स्काई इसमें से कौन सा एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना किसकी वजह से होता है जब सनलाइट का जो है डिस्पोशन होता है स्काई में जब आसमान में ही सनलाइट का डिस्पोशन हो जाए तो उससे एक चीज़ बनती है जब बारिश हुआ रहे और उसके बाद जो है बारिश की बूँदे भी प्रिज्म की तरह काम करती है और तब फॉर्मेशन होता है रेनबो का नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट स्प्लिट्स इनटू सेवन डिफरेंट कलर्स वेन पासिस थ्रू डायमंड जब हम डायमंड में पास करते हैं अपने वाइट लाइट uh, को वाइट लाइट को क्या अब आप डायमंड इसीलिए तो फेमस है क्योंकि उसमें जैसे ही लाइट जाता है तो वो डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है तो ये सीधा सीधा हमें पता चल क्या चल क्या रहा है 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 हो जाता है क्योंकि diamond is also act like a prism. वो भी prism की तरह काम करता है जिस वजह से white light जो है seven colors में, जो है अलग में अलग अलग हमें दिखते हुए नजर आते हैं और उसी को तो हम कहते हैं कि डायमंड है और जिसकी वजह से उसकी इतनी सारी वैल्यू है नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनन ऑफ स्केटरिंग ऑफ लाइट बाई द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड जब लाइट का स्केटरिंग होता है बाई द कोलाइडल पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स से जब स्केचिंग ऑफ लाइट होता है तो उस फिनोमिन को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट ठीक है ना एट का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमोस्फेयर ड्यू टू वेरिएशन इन एयर डेंसिटी इज कॉल्ड जब जो है लाइट का रिफ्रैक्शन होता है बाय दी अर्थ एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है क्यों ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एयर डेंसिटी क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह जो है एयर की डेंसिटी अलग अलग होती है तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो उसको बोला जाता है एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वहां हमें नहीं दिखता बल्कि एक अलग जगह दिखता है ठीक है ना एक्चुअल पोजिशन से अलग दिखता है तो उसके पीछे का क्या रीजन है उसके पीछे का रीजन भी आपका क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमोसफेयरिंग जो ट्विंकलिंग स्टार्स हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं तो वो किसकी वजह से होता है वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग डिफरेंट ठीक है ना वहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो हो ही रहा है लेकिन क्यों होता है क्योंकि हमारे जो अर्थ में जो इन्वामेंट है उसमें अलग अलग लेयर है और हर लेयर पे जो है ना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो जिस वजह से ना जो स्टार्स की अपरेंट पोजिशन है वो हर टाइम पे हमें चेंज होता हुआ नजर आता है जिस वजह से रियली में जो है स्टार टिमटिमाते नहीं है लेकिन हमें ऐसा दिखता है क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है जो डिफरेंट लेयर है हमारे उसकी वजह से ठीक है ना तो इलेवेंथ का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया नेक्स्ट है ब्लू कलर ऑफ द इज ड्यू टू द फिनन ऑफ जो हमारी आसमान का कलर नीला क्यों दिखा नीला हमें क्यों दिखाई देता है तो नीला दिखने का पीछे जो, जो रीजन है वो आपका स्केटरिंग ऑफ लाइट है वायलेट और ब्लू कलर ऐसे होते हैं ना जिनकी वेबलिन सबसे कम होती है हमने वायलेट देखा ही वायलेट के अलावा ब्लू कलर दोनों की वेबलिन बहुत कम होती है और जिस वजह से जो मोलिक्यूल प्रजेंट होते हैं एटमोसफेयर में वो सबसे ज़्यादा स्केटर किसको कर देते हैं इन्हीं दोनों कलर को कर देते हैं जिस वजह से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग फिनोमिनन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडीज अपियरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें जो सन जो है ना रेडीज कलर में दिखता है तो वो किसकी वजह से होता है उसके पीछे कौन सा फिनोमिनन और uh, रिस्पॉन्सिबल है तो उसके पीछे भी जो है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है ठीक है तो सारे फिनमिनन में आपको कन्फ्यूज नहीं होना हो सके ना तो आप सारे फिनोमिनन को एक लिस्ट बना लो और, पत, और लिख लो कि हाँ ये स्कैटरिंग की वजह से होता है ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ठीक है ना ये एटमोसफेयर की रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ये डिस्पोजन की वजह से होता है तो हो सकता है तो अगर आप ऐसी लिस्ट बना लोगे ना तो आप कन्फ्यूज नहीं होगे नेक्स्ट है वॉट इज द रीजन बिहाइंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट क्या रीज़न होता है जो कि हमें सूर्यास्त से पहले ही थोड़ा मतलब जब सूर्यास्त होता है ना सनराइज से पहले हमें सूरज दिखने लगते हैं और सनसेट के थोड़ी देर बाद तक भी दिखता है ठीक है ना उसके पीछे का जो रीज़न है वो है हमारा एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ठीक है ना उसके पीछे का रीज़न क्या है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन अभी हमने पढ़ा क्या कि वो वो जो हमें आ, मतलब कि रेड कलर का दिखता है हमें सन सं, सन सनसेट के टाइम पे सनराइज के टाइम तो उसके पीछे का रीज़न तो उसकेटरिंग ऑफ लाइट है लेकिन अगर हमें थोड़, थोड़ी देर पहले थोड़ी देर बाद तक दिख रहा है तो उसके पीछे का रीजन एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन है नेक्स्ट है वाई आर दी डेंजर सिग्नल लाइट्स रेड इन कलर डेंजर जो सिग्नल है उसको हमेशा रेड कलर ही क्यों दिया जाता है रेड कलर जो होता है उसको क्यों देते हैं क्योंकि उसकी वेबलेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है ठीक है ना हाइएस्ट वेबलेंथ है उसकी और जिस वजह से उसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है बिकॉज रेड इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाई स्मोक और फॉग स्मोक और फॉग में उसका स्कैटरिंग नहीं हो पाता जिसकी मतलब हो नहीं हो पाती है बहुत ही कम होता है जिस वजह से निजर सिग्नल को रेड कर दिया जाता है ताकि दूर से ही दिख जाए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन के नॉट सी थ्रू फॉग फॉग के टाइम पे कोई भी जो है ना देख नहीं पाता बहुत ही सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा पास का ही देख पाते हैं ज़्यादा दूर का नहीं देख पाते हैं तो उसके पीछे का क्या रीज़न है उसके पीछे का रीज़न ये है लाइट इज स्कैटेड बाई दी ड्रॉपलेट ऑफ फॉग जो फॉग के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वो लाइट को पूरी तरीके से स्कैटर कर देते हैं जिसकी जब लाइट पहुँचे नहीं तो आप देखोगे क्या ठीक है ना तो जिस वजह से हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है एट नून द सन अपियर्स वाइट दोपहर में जो सूरज है ना वो हमें व्हाइट कलर का दिखता है उसके पीछे का क्या रीज़न है ठीक है ना ये हमसे से क्वेश्चन पूछा हुआ है अब देखिए दोपहर में क्या होता है ना सन जो होता है एकदम टॉप पे होता है और लाइट रेज जो हमारे सन से लेकर हमारी पृथ्वी पे आती है तो उनको सबसे कम डिस्टेंस उसी टाइम पे कवर करना होता है सबसे कम डिस्टेंस कवर करता है जिसके तो उस टाइम पे उनका या तो स्कैटरिंग होता ही नहीं है होता भी है तो बहुत ही कम होता है जिसकी वजह से वो हमें वाइट ही दिख जाता है क्योंकि स्कैटरिंग तो हुआ नहीं तो जो, जो लाइट है वो सबसे कम स्कैटर होता है तो उसके पीछे जिस वजह से ही हमें जो है सन वाइट कलर का दिखता है एट नून में ठीक है ये क्वेश्चन आपका भी समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू इज कलर ऑफ वाटर इन डीप सी गहरे समुद्र का जो पानी है ना वो हमें नीले रंग का दिखता है जिसके पीछे का क्या रीज़न है ठीक है ना उसके पीछे का रीज़न आपका स्कैचरिंग ऑफ लाइट है जो फाइन पार्टिकल्स जो फाइन वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ठीक है ना जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं फाइन वो मेनली ब्लू लाइट को ही स्कैटर करते हैं क्यों क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनकी औकात नहीं है कि वो रेड को कर दे स्कैटर वो सिर्फ कम वेवलेंथ वाले को ही स्कैटर कर सकते हैं वो ब्लू ब्लू लाइट को कर देते हैं जिस वजह से हमें वो उसका कलर भी किस किस कलर का दिख जाता है ब्लू कलर का दिख जाता है ठीक है ना तो एटीन का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया अब नेक्स्ट है व्हाट वुड हैव बीन द कलर ऑफ स्काई विदाउट एटमॉस्फेयर आसमान का कलर कैसा होता अगर हमारे यहाँ एटमोस्फेयर ना होता ठीक है अगर एटमोसफेयर नहीं होता तो एटमोसफेयरिक रिफ्रैक्शन नहीं होता ठीक है ना और तो, मतलब कोई भी फिनमिनल इस टाइप की चीज़ें हो ही नहीं पाती अब जब कुछ भी नहीं होता तो जिस उस वजह से हमें स्काई का कलर कैसे दिखता? दिखता है डार्क दिखता है आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना आपसे कि अंतरिक्ष आतियों को आसमान का रंग काला क्यों दिखाई देता है क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे होते हैं कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हो ही नहीं पाती जिस वजह से वो आसमान का रंग उन्हें डार्क कलर या फिर Uh, काले कलर का दिखता है ठीक है ना तो इसलिए आपका नाइनटीन का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया और अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन अब अगर अब देखो इसमें से पहली बात तो चैप्टर ऑलरेडी छोटा है उसमें से आधा पोर्शन हटाई दिया तो ज़्यादा एमसीक्यू इसमें से बने नहीं तो टोटल बीस ही एमसीक्यू बने और चैप्टर आपने देखा होगा कहीं फिफ्टी बने हैं थर्टी बने हैं लेकिन इसमें से ट्वेंटी क्वेश्चन ही बने हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर्स प्राइमरी कलर्स के नाम से किस किस को जानते हैं मतलब ये तीन कलर को अगर आप मिला दो ना तो दुनिया के सारे कलर बन जाएंगे और जो आप प्रिंटर में भी यूज़ करते हैं हम यही तीनों कलर अगर आपके घर में होगा तो आपको यहीं से पता चल जाएगा थोड़ा सा इन तो जो हमारे प्राइमरी कलर है ना वो कौन से कौन से होते हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू इन तीनों कलर को अगर आपने डाल दिया प्रिंटर में आपने देखा होगा उसमें तीन ही ऑप्शन होते हैं उसको डालते हैं दुनिया भर के सारे कलर हम जितने जो चाहें हमें मिल जाता है तो प्राइमरी कलर है आपका रेड ग्रीन और ब्लू गलती से आपसे सेकेंडरी कलर पूछ लें तो सेकेंडरी कलर जो होता है ना सियान येलो और मजेंटा सियान येलो एंड मजेंटा तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए और प्ले बनी हुई है सारे चैप्टर्स की जो है ना आप एम कर डालो क्योंकि जब हमारा सैम्पल पेपर आया ना तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें उसमें देखने को मिले हैं तो इसलिए आपकी ये ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ज़रूर से ज़रूर अटैम्प्ट करें लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी